नमस्कार मित्रों, ओएलआई में आपका स्वागत है। आज हम वेन डायग्राम्स अर्थात वेन आरेख के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वेन आरेख जो है वह एनटीएससी का काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसे समझने से पहले हमें समुच्चय का एक मूलभूत ज्ञान होना चाहिए ताकि हम वेन आरेख को और अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम समुच्चय के बारे में जानेंगे। उपसमुच्चय, घात समुच्चय क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय किसे कहते हैं, उसके बाद वेन आरेख के बारे में जानेंगे जो कि हमारा मूल उद्देश्य है। समुच्चय की परिकल्पना का प्रयोग आज गणित के प्रायः सभी शाखाओं में होता है, जैसे भारत के राज्यों का संग्रह हो, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, कक्षा 10 में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे गणित, भूगोल, प्राकृतिक संख्याओं का समूह 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से यदि हम परिभाषित करें समुच्चय को, तो वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। इनका निरूपण, उसके लिए कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, जैसे उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाँ हमने अभी पिछले जो उदाहरण दिए AEIOU, उसके समुच्चय के अवयव अर्थात एलिमेंट्स थे, उसे हम वस्तु, सदस्य, अवयव ये तीनों ही कह सकते हैं। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला से निरूपित करते हैं, जैसे ANZ आदि। अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABC आदि। यह कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। इसका मतलब होता है कि यह पुस्तकों में और परीक्षाओं में ऐसे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे N का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, Z पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाता है। इसी प्रकार आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को एक बार देख सकते हैं। निरूपण के दो प्रकार होते हैं। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसको हम मजली कोष्ठक के बीच में सारे अवयवों को लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, भारत के शहर दिल्ली, आगरा, पटना, मुंबई, कोलकाता, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, V बराबर मजली कोष्ठक के अंदर x:x, जिसे हम यदि अंग्रेजी में पढ़े तो x होगा, लेकिन यदि हम इसको अच्छे से पढ़ना चाहें तो ये ऐसे पढ़ेंगे, वी उन सभी x का समुच्चय है जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, a उन सभी x का समुच्चय है जहां x एक विषम प्राकृत संख्या है, b उन सभी x का समुच्चय है जहां x एक प्राकृत संख्या है जो 3 से बड़ा और 10 से छोटी है। उपसमुच्चय, यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी अवयव अवश्य है तो a बी का उपसमुच्चय कहलाता है। यदि आप देखें उदाहरण, एक का अवयव 1, 2, 3, बी का अवयव 1, 2, 3, 4, 5, तो ए के जो अवयव है वो सारे बी में उपस्थित हैं, इसीलिए ए जो है वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि हर एक समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय भी होता है। तो यदि यह कथन कि ए का उपसमुच्चय है यह सर्वथा सत्य है। घात समुच्चय, पावर से समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। दोस्तों, यह वेन आरेख के लिए उतना आवश्यक नहीं है, परंतु एक मूलभूत ज्ञान आप इसका ले सकते हैं। यदि ए के अवयव 1, 2 हैं, तो जो इसका घात समुच्चय होगा जिसे हम PA से निरूपित करते हैं वह वैसे समुच्चय होंगे, मतलब जो ए के उप समुच्चय हैं। सार्वत्रिक समुच्चय, किसी विशेष संदर्भ में एक आधारभूत समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाती है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R जो है वह परिमेय संख्या Q का सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। उसी प्रकार से वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R जो है वह Z अर्थात पूर्णांक संख्याओं का भी सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। अब वेन आरेख को समझने की कोशिश करते हैं। समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है। और यह क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि
वेन आरेख जो होते हैं उनसे चीजों को समझाना काफी आसान होता है और उनसे प्रश्न भी आसानी से हल होते हैं। इन आरेखों में आयत और बंद वक्र सामान्यतः वृत्त होते हैं। किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत द्वारा और उसके उप समुच्चय को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस आरेख को देखें तो जो आयत है जो मैंने हरे रंग का दिया है ये सार्वत्रिक समुच्चय है। जो वृत्त मैंने नीले रंग का बनाया है वह समुच्चय ए है। दोस्तों आरेख के बल पर ही आप बता सकते हैं कि ए के अवयव क्या होंगे, या 1, 6, 4, 8, 9 जो भी आपको वृत्त के अंदर दिख रहे हैं वह ए के अवयव है, और जो भी आपको आयत के अंदर दिख रहे हैं वह सार्वत्रिक समुच्चय के अवयव है। और क्योंकि समुच्चय ए भी सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर है इसलिए उसके सारे अवयव सार्वत्रिक समुच्चय का हिस्सा होंगे। जैसे ए के अवयव तो आपको दिख रहे होंगे 1, 4, 6, 8, 9, उसी प्रकार सार्वत्रिक समुच्चय 1 से लेकर 10 तक होंगे। आइए कुछ और आरेखों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला आरेख जो है यहाँ पे जो शेडेड रीजन है यानी जो रेखाच्छादित क्षेत्र है वह किस चीज को दर्शाता है? इसको हम ए इंटरसेक्शन बी हिंदी में कहें तो ए सर्वनिष्ठ बी कह सकते हैं। यह वैसे अवयव हैं जो ए और बी दोनों में हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में यदि हम कुछ भी लिखते हैं तो वह जो वृत्त ए है, वृत्त ए यानी जो समुच्चय ए को दर्शा रहा है उसके अंदर भी आएगा, और जो वृत्त बी जो समुच्चय बी को दर्शा रहा है वह उसके अंदर भी आएगा। तो ये ऐसे अवयव होंगे जो दोनों में कॉमन अर्थात समान होंगे। दूसरा जो आरेख है उसमें मैंने शेडेड रीजन पूरे ही वृत्त दोनों वृत्तों को बनाया है। या वैसे अवयव है जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे या तो दोनों में ही होंगे, यानी वैसे अवयव जो ए और बी समुच्चय में से कम से कम एक में तो होंगे ही। तो दोस्तों आशा करती हूं कि आपको इन आरेखों की मदद से जो क्षेत्र में मैंने जो शेडेड रीजन को दर्शाया यानी जो रेखाच्छादित क्षेत्र को दर्शाया है उससे आपको काफी कुछ आसानी से समझ में आ रहा होगा। आपको धीरे धीरे अनुमान लग रहा होगा कि वेन आरेख क्यों सरल होते हैं और क्यों समुच्चय के संबंधों को दर्शाने में कारगर सिद्ध होते हैं। अब हम एक और आरेख को देखकर उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये जो शेडेड रीजन है जो मैंने जिसमें लाइंस बनाई हैं वो वैसे क्षेत्र को दर्शाता है जो ना कि समुच्चय ए में आता है, ना ही समुच्चय बी में आता है, और ना ही समुच्चय सी में आता है। वह सार्वत्रिक समुच्चय का हिस्सा है किंतु समुच्चय ए बी और सी में नहीं आते हैं। यदि हम नीले रंग के एक क्षेत्र को देखें, यदि हम नीले रंग के एक क्षेत्र को देखें तो वह वैसे अवयव को दर्शाएगा या वह वैसे क्षेत्र को दर्शाएगा जो समुच्चय ए बी और सी तीनों में आते हैं। और यदि हम उस क्षेत्र को और जो लाल रंग से दर्शाया गया क्षेत्र है उन दोनों को मिलाकर देखें तो ये वैसे अवयव को दर्शा रहा है जो समुच्चय ए में भी है और समुच्चय बी में भी है। जैसा मैंने पिछला आरेख आपको समझाने की कोशिश की थी ये बिल्कुल वही है, केवल इसमें यह अंतर है कि इसमें 3 समुच्चय आ गए हैं। उसी प्रकार जो नीला जो क्षेत्र है उसको यदि हम जो बैंगनी कलर का क्षेत्र है उससे मिलाकर देखें तो वो वैसे अवयव को दर्शाएगा जो बी के समुच्चय का भी भाग है और सी के समुच्चय का भी भाग है। उसी प्रकार यदि हम नीले रंग के क्षेत्र को पीले कलर के क्षेत्र से मिलाकर देखें तो ये वैसे अवयव को दर्शाएगा जो ए में भी है और सी में दोनों में ही है। यदि हम सिर्फ नीले कलर के क्षेत्र की बात करें तो ये वैसे अवयव को दर्शाएगा जो ए बी और सी तीनों में है। दोस्तों ये काफी आसान है, आप देख रहे होंगे, आपको बस वह क्षेत्र देखना है जो इन वृत्तों में कॉमन अर्थात समान है। जैसे जो नीले रंग का क्षेत्र है वह वृत्त ए में भी आ रहा है, वृत्त बी में भी आ रहा है और वृत्त सी में भी आ रहा है, यानी यहाँ पर जो भी अवयव लिखे होंगे आरेख में वह वैसे अवयव होंगे जो समुच्चय ए का भी भाग होंगे, समुच्चय बी का भी भाग होंगे और समुच्चय सी का भी भाग होंगे। उदाहरण के तौर पे यदि मैं पीले रंग के क्षेत्र में कोई नंबर 1 लिख देती हूँ और आपसे पूछती हूँ
कि यह एक जो मैंने लिखा है वह किस समुच्चय का भाग है? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब यही होगा कि एक जो है वह समुच्चय ए में भी आएगा और समुच्चय सी में भी आएगा, क्योंकि यह दोनों वृत्त में कॉमन एरिया अर्थात समान जो क्षेत्र है वह है। और यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय तो आप समझ ही रहे हैं, ए बी सी जितने भी अवयव है और उसके अलावा जो भी आयत में लिखे गए अवयव है सारे ही सार्वत्रिक समुच्चय का भाग है। दोस्तों आशा करती हूँ कि मैं आपको वेन आरेख के कुछ बेसिक्स कुछ मूलभूत ज्ञान देने में सफल रही हूँ। आइए एक प्रश्न कर लेते हैं जिससे काफी कुछ समझ में आ जाएगा। 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय पसंद है, 20 विद्यार्थियों को हिंदी विषय पसंद है और 5 विद्यार्थियों को इन दोनों में से कोई भी विषय पसंद नहीं है। ऐसे कुल कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों पसंद है? तो दोस्तों पहले तो जो सार्वत्रिक समुच्चय है उसकी संख्या 40 होनी है। 5 उसमें से ऐसे हैं जो मैं आयत में आपको बाहर दिख रहा होगा कि 5 ऐसे, और दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मैंने आरेख में लिखा है वह उसकी संख्या है, वह अवयव नहीं है। तो जो 5 हैं वो वैसे लोग हैं जिन्हें कोई भी कुछ भी पसंद नहीं है। तो बच गए 35 लोग। 35 लोगों में कुछ को हिंदी पसंद होगी, कुछ को अंग्रेजी पसंद होगी और कुछ को दोनों ही पसंद होगी। तो दोस्तों 10 जो है वह बीच में लिखा हुआ है, वह वैसे एरिया वैसे क्षेत्र में लिखा हुआ है जो हिंदी में भी आती है और अंग्रेजी में भी आती है। इसका मतलब 10 ऐसे छात्र या छात्राएं हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पसंद करते हैं। और इस प्रकार से हम देखें तो जो एन ई का मतलब होता है कि समुच्चय ई की संख्या कितने अवयव हैं वो दर्शाता है, तो वह 25 हैं। जिनको हिंदी पसंद है वह 20 लोग हैं, सार्वत्रिक समुच्चय 40 होगा। तो जिन्हें दोनों विषय पसंद नहीं वह 5 लोग हैं। तो कम से कम एक विषय जिन्हें पसंद है वह कितने लोग हैं? वह 40 में से 5 घटाने पर 35 आता है। जिन्हें दोनों विषय पसंद है वह हम ऐसे देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों जो दोनों ही समुच्चय में आ रहा है, यदि हम इसको 2 बार जोड़ेंगे, ये 2 बार जुड़ रहा है। यदि हम वैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें जिन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों पसंद है, क्योंकि वो विद्यार्थी हिंदी में भी जोड़े जा रहे हैं और अंग्रेजी में भी जोड़े जा रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी जो कुल संख्या है उसको बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि हम वैसे विद्यार्थियों को 2 बार जोड़ रहे हैं इसलिए हमें 1 बार वैसे विद्यार्थियों को घटाना होगा। तो इस प्रकार से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यदि हम 20 में 25 जोड़ें, जो कि 45 होता है, वरन हमारी कुल संख्या 35 आनी चाहिए। यानी 10 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें हम 2 बार जोड़ रहे हैं, यानी 10 वैसे विद्यार्थी हैं जिन्हें दोनों ही विषय पसंद है। दोस्तों यह हमारा एक नया सेक्शन है, इसमें हम आपकी शब्दावली में कुछ नए वर्ड्स जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी शब्दावली और इम्प्रूव हो और बढ़े। जैसे इसमें एक वर्ड है अकम्पलिशमेंट, जिसमें जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है समथिंग दैट हैज बीन अचीव सक्सेसफुली, जैसे कि उपलब्धि। यदि आप एनटीएससी परीक्षा का स्टेज वन निकालने में सफल होते हैं तो उसे हम कह सकते हैं कि ये आपकी एक अकम्पलिशमेंट यानी उपलब्धि है। दूसरा शब्द है एंथुजियाज्म, इंटेंस एंड ईगर एंजॉयमेंट यानी उत्साह। यदि आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आता है तो हम कह सकते हैं कि आपका पढ़ाई में विशेष उत्साह है, यानी आप बहुत इंथुजियास्टिक हो, आपको इस विषय में बहुत एंथुजियाज्म है। तो आज हमने सारांश देखे तो हमने यह पढ़ा कि समुच्चय किसे कहते हैं, जो कि मैं दोहरा दूं कि वस्तुओं के एक सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। वेन आरेख समुच्चय के प्रश्न को हल करने का एक सरल तरीका है। दोस्तों तो आशा करती हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा कि यह क्यों सरल है, क्योंकि हमें ये सिर्फ आरेख देख के जो चित्र है वह देख के ही काफी कुछ समझ में आ जाता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो दोनों समुच्चय में आ रहे हैं या फिर कौन ऐसे लोग हैं जिनको दो चीजें पसंद है। प्रश्न के हिसाब से ये चीजें काफी अच्छे से आपको आरेखों में दिखती हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस परिवेश में जब कोरोना हमारे देश को बहुत क्षति पहुंचा रहा है, तब हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।
मैं आपसे यह निवेदन करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस किन विषयों में तकलीफ आती है और आप कैसे किन विषयों पे वीडियोस चाहते हैं, तो हम उन्हीं पर वीडियोस बना के आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सुरक्षित रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।